चलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम अरविंद, आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रनवे 34 इस मूवी ने एक्चुअली में प्रूव किया यार कि फिलहाल के टाइम पे किस तरह की मूवीज ऑडियंस को एक्चुअली में देखनी है। अब देखो, इस मूवी के कंटेंट में एक्चुअली में दम था एंड इसी वजह से मूवी अभी तक टिकी हुई है। कलेक्शंस भले ना ज्यादा कर पाए लेकिन उसके बावजूद मूवी अभी तक टिकी हुई है, आप इससे ये समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हीरोपंती 2 भी इसके साथ रिलीज हुई थी, बट जब से डॉक्टर स्ट्रेंज आए हैं हीरोपंती 2 लगभग गायब हो चुकी है थिएटर से, बट अभी भी रनवे 34 सर्वाइव कर रही है। अगर बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो मूवी ने अपने 11वें दिन कलेक्शन किया सिर्फ और सिर्फ 80 लाख का। यहाँ प्रेडिक्शन हुआ था कि लगभग मूवी 1 से 1.5 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इसी कंपैरिजन की गई थी संडे के दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, क्योंकि मूवी ने अपने संडे के दिन कलेक्शन किया था लगभग 2.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, काफी अच्छा आया था। सो उसी हिसाब से यहाँ प्रेडिक्शन किए गए थे कि मूवी अपने 11वें दिन कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, लेकिन काफी ज्यादा गिरावट हुआ। एंड उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तक मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 30.20 करोड़ का। एंड इसी हिसाब से अगर फिर से एक प्रेडिक्शन लगाते हैं, आज 12वां दिन है, सो कल के दिन जहां मूवी ने 80 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, सो आज है इसका 12वां दिन। सो उसी हिसाब से आज भी थोड़ा नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आज भी वर्किंग डे है, आज ट्यूजडे है। सो यहां पे मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे सकती है अपने को 50 लाख से लेकर के 70 लाख के बीच में, और ऊपर जाने के भी चांसेस हैं लेकिन नीचे आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि इससे कम तो डेफिनेटली मूवी नहीं जाएगी। एंड फिलहाल इस टाइम पे एवरेज ऑक्यूपेंसी चल रही है लगभग 7 से 8%। यस गाइस, 7 से 8% काफी ज्यादा मतलब निराशाजनक है, बट एटलीस्ट बोलते हैं ना कि सर्वाइव कर रही है मूवी। सो इसी हिसाब से अगर एक वो भी आप लगाते हैं कि लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, सो मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन अभी जिस हिसाब से कलेक्शन कर रही है, डेफिनेटली मूवी 35 करोड़ तक जा सकती है। उससे ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि मूवी ने अभी यहाँ पे 30.2 करोड़ का अपना कलेक्शन जो पार किया है। मूवी जिस हिसाब से चल रही है अभी ज्यादा टाइम थिएटर पे टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ और नई मूवीज आने वाली हैं। सो देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या हमारे अजय देवगन सर थोड़ा कम डिसअपॉइंट करेंगे, काफी कुछ नई चीजें उनको भी सीखने को डेफिनेटली मिली होंगी। एंड देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर आप लोगों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। क्या लगता है कि मूवी कितना सर्वाइव कर सकती है, जो भी लगता है प्लीज कमेंट बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।